अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रफ़ीक और आप देख रहे हैं रफ़ीक एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, काफ़ी दोस्त पूछते हैं कमेंट में आके कि हमें जो ना इलेक्ट्रॉनिक की जो कंपोनेंट वगैरह है जिससे हमें साइंस के प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो या किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट करना हो या कोई चीज़ आपने होम मेड कोई चीज़ तैयार करनी हो तो इसके लिए जो सामान है वो कहाँ से मिलते हैं। तो उन दोस्तों को मैं आज रिप्लाई कर देता हूँ इस मैसेज का ताकि सबको पता चल जाए। तो ज़्यादातर चीज़ों तो मैं दराज से ऑर्डर करता हूँ क्योंकि जो चीज़ बनानी होती है वो छोटी सी चीज़ होती है, उसके लिए किसी मार्केट इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाऊँ तो उसमें ये एक अपना टाइम वेस्ट भी है और ऊपर से आने जाने का ख़र्चा भी है। तो घूम फिर के बाद वही आ जाती है कि ऑनलाइन ऑर्डर करके थोड़े पैसे ज़्यादा देके ऑनलाइन ऑर्डर करना ही बेहतर है। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें दराज से मंगवाता हूँ, तो मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों का अनबॉक्स करके भी दिखा चुका हूँ। तो और दूसरी बात यह कि कुछ चीज़ें काफ़ी कभी ऐसा भी होता है कि किसी तरह मार्केट की तरफ जाना हो तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक शॉप से भी मैं कभी कभी कोई चीज़ ले लेता हूँ। तो कुछ चीज़ ऐसी भी है जो दराज में नहीं मिलते तो वो भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का जो मकसद है वो मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी है कुछ और कुछ कंपोनेंट है जो साइंस प्रोजेक्ट के लिए काम आते हैं। तो दराज से मैंने ऑर्डर किया है तो इसमें टोटल 12 जो ना वो गैजेट मैंने मंगवाया है जिसमें कुछ कंपोनेंट भी है और कुछ गैजेट भी है। तो इन सब चीज़ों का जो ना मैं आज जो ना ये अनबॉक्स करके मैं आपको वन बाय वन सबको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ जो ना कहाँ से और कितने की मिलेगी। सब ऐसे मिलेगी जो दराज से ही सारी चीज़ें लिया है मैंने ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मेरे पास ये वायर क्या कहते हैं इसको, वायर कवर होता है ये, जैसे कोई आपने दो तार आपने जोड़ना हो तो उसको जोड़ने के बाद जो ना इसको लगाने के बाद इसको अगर जब हीट करते हैं तो ये वायर को बिल्कुल अच्छी तरह जो ना वो पैक कर देता है, किसी किस्म का वो नहीं होता है, लीकेज नहीं होता है। तो ये दूसरी जो चीज़ है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक कवर है, एक हिसाब से ये जिप लॉक की तरह होता है। इसमें हम अपने जो प्रोजेक्ट की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा बारीक होती है, वो हम किसी डब्बे में रखते हैं किसी जा रखते हैं तो वो ढूंढने में निकालने में मुश्किल होता है। तो हम इसमें जो ना सारी चीज़ें ना अलग अलग रख सकते हैं, जैसे रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, हर चीज़ के लिए अलग अलग पैकिंग जो ना इस तरह। तो ये मैंने मंगवाया है अपने प्रोजेक्ट की चीज़ें रखने के लिए। तो उसके बाद हमारे पास ये एक पैकिंग है, तो इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये तीसरी चीज़ है, तो मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। टोटल 12 आइटम मैंने मंगवाया है, तो आपने वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए मैं हमेशा लाता रहूँ और फ़ौरन आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के ज़रिए आ सके। तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आ जाए। आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं जिसकी वजह से होता ये है कि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये बैटरी जो ना होल्डर है ये, ठीक है, एक सिंगल है एक डबल है। तो ये तीसरी चीज़ है, तो इसमें ये इसमें जो ना बैटरी लगा के हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आसानी से हम इसमें बैटरी डाल के जो ना उसको कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें इसके अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है, तो इसको भी रैपर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करना, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने लगा हूँ इसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने मंगवाया, तो मैं आपको वन बाई वन सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो अभी 3 चीज़ हो चुका है, बाकी हमारे पास 9 चीज़ें इस पैकेट के अंदर है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच करना है और वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको प्रोडक्ट कैसी लगती है। जो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ वो उसकी वीडियो के हवाले से कमेंट लाजमी किया करें और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी दोस्त ऐसे हैं, तकरीबन 25% लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उनसे सबसे गुजारिश है दोस्तों से कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसी वीडियोस जो आपसे मिस हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास मौसूल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बाकी चीज़ें जो है ना वो मैंने निकाल लिया है, अब आप देख सकते हैं एक और पैकिंग के अंदर एक और पैकिंग है, छोटी पैकिंग है, तो इसको मैं खोल के देखता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ये हमारा जो चौथा प्रोडक्ट है ये आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो 18650 की जो छोटी बैटरी होती है उसको हम 3 बैटरी को एक साथ मिला के हम 12 वाट की जो ना बैटरी बनाते हैं, 12 वाट की बड़ी बैटरी बना सकते हैं। तो इसके लिए ये सर्किट इस्तेमाल होता है, इसको BMS सर्किट कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास ये LED लाइट है, आप देख सकते हैं LED लाइट के ज़रिए हम किसी भी प्रोजेक्ट को जो ना वो इंडिकेट के लिए लगा सकते हैं, यानी लाइट ऑन है या ऑफ है, सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है, पावर ऑन है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये हमारे पास वॉल्यूम नॉब है, ये क्या नाम से पोटेंशियल मीटर है या उसको वॉल्यूम कहते हैं काफ़ी लोग, तो उसके लिए इसका जो ना नोब है, ये कवर है इसका।
तो और ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, इसका मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही खूबसूरत एक प्रोजेक्ट है, तो इसको मैं मुकम्मल अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, कुछ टाइम बाद इसका वीडियो आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ये मेरे पास है, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर कंपनी ने सारे कंपोनेंट इसके अंदर डाल दिया, तो इसको सिर्फ असेंबल करना होगा और एक अच्छी चीज़ बना के आपको दिखाऊंगा। इसका भी एक वीडियो जो ना आगे आने वाली है, बहुत जल्द इसकी वीडियो भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, एक और आइटम मेरे पास है। ये हमारे पास एम्पलीफायर है, 3 वाट का एम्पलीफायर है। ये हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए काम आता है, या ब्लूटूथ बनाए या फिर नॉर्मल स्पीकर बनाए, इसके लिए एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद एक और प्रोजेक्ट हमारे पास देख सकते हैं, ये भी एक मुकम्मल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो ना सारी चीज़ें मौजूद है, इसको भी मैं आपको किसी और वीडियो में जो ना अलग से इसका वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा, बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये भी शेयर करूँगा। तो एक और हमारे पास आइटम है, तो ये जो ना बैटरी के चार्जर के जो बैटरी के जो ना एम्पेयर वगैरह चेक करने के लिए है, इसका भी अलग से रिव्यू बनाऊँगा मैं आपको। तो दोस्तों, ये एक और प्रोजेक्ट है हमारे पास, ये भी हमारे पास जो ना बैटरी के हवाले से है, जो 18650 की बैटरी है उसको ऑपरेट करने के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ है। इसके भी मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा किसी आने वाले वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास ये आखिरी प्रोडक्ट है, ये 12 नंबर का आखिरी प्रोडक्ट है। ये एक सेंसर है, तो इस सेंसर के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो क्या क्या बन सकती है और आगे जाके इसका जो ना यूज़ मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरह आप छोटी छोटी चीज़ों से जो ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने घर के काम की चीज़ें बना सकते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम बना सकते हैं, ऑटोमेटिक सेंसर बना सकते हैं, लाइट ऑन ऑफ का सेंसर बना सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो ना बना सकते हैं। तो ये मैंने काफ़ी चीज़ें मंगवाया, तो इन सब चीज़ों से आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको सारी चीज़ें जो ना बना बना के दिखाऊँगा आपको। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाजमी, और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें, ताकि जो काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों को कुछ भी पता नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों के बारे में, तो हर कोई अपना जो ना वो घर की जो चीज़ें हैं वो खुद ठीक कर सके, और जो चीज़ अपना खुद बनाना चाहे मार्केट की रेट से जो ना कम रेट में सारी चीज़ें वो बना सकेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें वीडियो को, ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की भी प्रेस कर दें, ताकि जो नया वीडियो आएगी उसको फ़ौरन आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपके साथ एक और नया वीडियो के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।